हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी 2-in-1 रसगुल्ला, जो कि चॉकलेट और इलायची के अलग अलग फ्लेवर में बनेंगी। एक ही रसगुल्ले में दो तरह का स्वाद मिल सकता है इस तरह से रसगुल्ले बनाने से। आप इसमें कोई भी वेरिएशन कर सकते हो। मैं यहाँ पर चॉकलेट और इलायची का फ्लेवर डाल रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं 2-in-1 रसगुल्ला। और मेरी चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनती है 2-in-1 रसगुल्ला। यहाँ पर तो रसगुल्ला बन चुके हैं और आप देख सकते हो ये काफ़ी सॉफ्ट बने हैं। ये अभी काफ़ी गर्म है, ठंडा होने के बाद ये और भी फुले फुले होते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने छेना ले लिया है। 1 लीटर दूध से बनी हुई ये फ्रेश होममेड छेना है। तो पहले इसका जो क्रम्बल है उसे तोड़ लेंगे ताकि हम इसे स्मूथली मसल सकें। तो ऐसे हाथ की मदद से धीरे धीरे इसे तोड़ लेंगे और ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रसगुल्ला अच्छी नहीं बनेगी। थोड़ी सी नमी इसमें होनी चाहिए। अब इसमें मिला देंगे 2 चुटकी भर बेकिंग पाउडर। ध्यान रखिएगा सिर्फ 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रसगुल्ला फट के पूरा बिखर जाएगा। और इसे अच्छी तरह से मिला दें ऐसे मसलते हुए। बेकिंग पाउडर को बहुत अच्छे से मिलाना ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, हाथ की मदद से ऐसे रगड़ते हुए इसको स्मूथ बना लेंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट इसको ऐसे मसलना है ताकि एकदम बटर जैसी स्मूथ बन जाए। ये तैयार हो गए हैं। इसे मैंने लॉग की शेप में निकाल लिया है। अब इसके बीचों बीच चाकू चलाते हुए इसको 2 हिस्सों में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 2 हिस्से के ही यहाँ पर ज़रूरत है। और दोनों हिस्सों को ऐसे फैला देंगे। तो एक पोर्शन में डालेंगे इलायची का पाउडर, ये 2 चुटकी भर इलायची का पाउडर है, और दूसरे हिस्से में डालेंगे कोको पाउडर, ये 1 टीस्पून कोको पाउडर है। पूरा पाउडर एक तरह से नहीं मिलाएंगे, थोड़े थोड़े डालते हुए इसे मिलाएंगे। तो पहले इलायची वाला जो पोर्शन है उसे तैयार कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह से ऐसे रब करते हुए मसलते हुए इलायची को मिक्स करना है। और ये तैयार हो गए हैं। अब इसको साइड में रख देंगे और एक गीले कपड़े से इसे ढक देंगे ताकि इसके ऊपर क्रैक ना आए। अब दूसरे पोर्शन को भी ऐसे मसलते हुए बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कोको पाउडर के साथ। एक बार ये मिक्स हो जाए फिर बाकी जो पोर्शन है उसे भी मिला देंगे और इसमें डालेंगे 2-3 बूंदे वैनिला एसेंस की, बहुत ज़्यादा ना डालें। बाकी बचे पाउडर भी मिला देंगे और इसे अच्छी तरह से मसलते हुए कोको पाउडर के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये दोनों तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे, हर एक पोर्शन से हमें 6 गोले बना लेनी है। तो पहले इलायची वाला पोर्शन हम लेंगे और इसमें से 6 इक्वल अमाउंट का, यानी कि 6 इक्वल अमाउंट के पोर्शन का हमें गोला निकाल लेना है। और इसी तरह से मैं कोको वाला पोर्शन भी कर लूंगी। तो ये देखिए मैंने कुल मिला के 12 गोला निकाल लिया है। और ये मेरे पास है रामदाना, जिसे इलायची दाना भी कहते हैं और शुगर बॉल भी कहते हैं।
तो दोनों पोर्शन को इस तरह से मिला देंगे पहले, फिर उसमें गड्ढा बनाकर एक रामदाना डाल देंगे और फिर उसको ऐसे सील कर लेंगे और दोनों हाथों की मदद से स्मूथ बॉल बना लेंगे। तो ये तैयार हो गए हैं और बाकी बचे भी ऐसे तैयार कर लेंगे। पहले इसको मिला देंगे, फिर बीच में एक गड्ढा बना देंगे, उसमें एक रामदाना डाल देंगे, फिर इसको सील कर लेंगे और दोनों हाथों की मदद से इसको स्मूथ कर लेंगे। तो ऐसे टोटल 6 पीसेस बॉल्स हमने बना लिया है। अब इसको भीगे कपड़े से ढककर रखेंगे ताकि ये सूख ना जाए। चाशनी बनाने के लिए एक बड़ी सी कढ़ाई पे मैंने 200 ग्राम चीनी ले लिया है और उसके हिसाब से यहाँ पर मैं ले लूँगी 800 ml पानी। अब गैस को ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पर रखेंगे और तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक कि ना चीनी पूरी तरह से घुल जाए पानी के साथ। और यहाँ पर मैंने 1 teaspoon मैदा ले लिया है जिसको थोड़ी सी पानी के साथ घोल लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है रसगुल्ला बनाने के लिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक बात मैं बता दूँ, ये जो चम्मच है ये रेगुलर चम्मच है जो हम आमतौर पर किचन पर यूज़ करते हैं, और ये जो चम्मच है ये मसाले वाला चम्मच है जो कि बहुत ही छोटा है। इसी चम्मच का 1/4 teaspoon मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, तो वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर पानी उबल रहे हैं, अब इनमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच भरकर स्लैरी, मैदे का स्लैरी जो कि हमने बनाए हैं, और इसे अभी थोड़ी सी चला दे और पानी को वापस उबालने दे। तो आप देख सकते हो इसमें काफ़ी झाग आ रहे हैं। ये जो साइड में सफ़ेद वाले झाग आ रहे हैं ये चीनी का जो डार्ट पोर्शन होते हैं वो है, तो इसे हमें चम्मच की मदद से निकाल देनी है, नहीं तो रसगुल्ले का जो सफ़ेद पोर्शन है उसका कलर कुछ ऑफ वाइट सा आने लगेंगे। तो ये साफ़ हो गए हैं, अब इसमें डाल देंगे बॉल्स जो कि हमने बनाए हैं। तो इसे धीरे धीरे डाल दें ताकि हाथ में उछल कर चाशनी ना आए, क्योंकि चाशनी काफ़ी गर्म है, और इसे ढक्कन लगा दें और कम से 20 से 25 मिनट तक कम से कम इसको मीडियम फ्लेम में उबालने दें। तो ये तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हो ये साइज़ में बढ़कर 3 गुना हो चुके हैं। तो इसे अभी निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो ये तैयार हो गए हैं 2-in-1 रसगुल्ला। इसे घर पर ट्राई ज़रूर करें, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।